जाते हैं अपनी क्या नाम है परियों को बुलाएंगे, परियां आएंगी, तुम्हारी जो बनाई हुई है ना तुमने झूला, उसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे आज, ठीक है। तो तुम्हें दूर से वो तुम्हारा तुम्हारी परियां और तुम्हारा झूला दिखाई दे रहा है गगन में, आसमान में। जी अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसको बुला के अपनी सहेलियों से पहले तो सलाम दुआ करो, हेलो करो उनको, थैंक यू करो, और फिर उसके बाद अपना ट्रैवलिंग शुरू करो। तो आज हम एक ऐसी पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पे बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है और बहुत ही हसीन मंजर हैं, झीलें हैं। और तुम बैठ गए झूले के अंदर, जी ठीक है। अब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं और बहुत ही हसीन मंजर है। नीचे नजर आ रहा है कुछ? जी क्या दिखाई दे रहा है? झील, झील नजर आ रही दरख्त, है। दरख्त वेरी गुड। तो ये दरख्त जो हैं क्या नाम है, बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे से हैं? बड़े 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 से हैं। अच्छा ठीक है। और इनमें कोई फ्लावर्स वगैरह भी हैं क्या? नहीं फ्लावर्स नहीं है, सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं ऊंचे ऊंचे। जी। वेरी गुड। और इसके अलावा क्या नजर आ रहा है? कुछ बर्ड्स, कवे दरख्तों कव्वे। के ऊपर से अच्छा, दरख्तों के ऊपर से उड़ रहे कुछ। हैं, अच्छा ठीक है बादल। ठीक है। और अब तुम अपने झूले को लेके जाओ और नीचे उतारो, और जो जगह तुम्हें पसंद है ना वहां पे अपना झूला उतार लो, ठीक है। हरे हरे हैं साथ, बहुत लंबा, एक लंबे दरख्त के नीचे हूँ, साथ मेरे एक दरख्त है, अच्छा, ये दरख्त किस टाइप का है? बहुत वो पत्ते लगे हुए हैं इसके ऊपर, जो चौड़ा है, लंबा है या? लंबा है और चौड़ा है, लेकिन जब मैं ऊपर देखती हूँ तो सिर्फ मुझे इसके पत्ते हरे हरे नजर आते हैं, और साथ मेरे बहुत बहुत लंबा है, अच्छा, ब्राउन नजर आता है ये उसका। इस ये पीपल का दरख्त तो नहीं है? ये बोधी ट्री है? ये कौन सा ट्री है? ये बोती बोधी ट्री है। जी, वाओ, वेरी नाइस। तुम बहुत लकी हो कि तुम बोधी ट्री के पास चली गई और मैं जा ही नहीं सकी अभी तक। खैर, अच्छा तो अब हम ऐसा करते हैं कि तुम 2 साल की उम्र में जाओगी जब मैं 3 गिनूंगी, ठीक है, और तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ बैठी हो, ठीक है अलीजा? 1 2 3। कहाँ घर, पे हो तुम? अपने घर में, अपने घर में। क्या कर रही हो? लिविंग रूम में, लिविंग रूम में हो। और कौन है पास? और पास मम्मा, मम्मा ने क्या पहना हुआ है? पिंक पिंक पहना हुआ है, सलवार कमीज, सलवार कमीज पिंक पहना। और हेयर कलर क्या है? लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन है। अच्छा, तो तुम कितनी क्या कितने बाल हैं तुम्हारे उस वक्त? कंधे तक कंधे तक हैं। वेरी गुड। अच्छा, क्या पहना हुआ है? ड्रेस। ड्रेस पहना हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, मैं 3 गिनूंगी तो तुम 6 मंथ की अपनी अम्मी के पेट में वापस जाओगी, ठीक है? 1 2 3। कहाँ पे हो? पेट में कुछ दिखाई दे रहा है? ऑरेंज, ऑरेंज दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। और वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा कलर बताया। अच्छा, इसके अलावा गौर से देखो, जरा ध्यान दोगी तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। बाहर की तरफ देखो, इस वक्त पेट के अंदर मम्मी से मम्मी मम्मी नजर आ रही हैं। और कोई? व्हाइट कप पकड़ा हुआ है, हंस रही है, अच्छा, और कोई है साथ में? डैडी डैडी हैं, साथ हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। अच्छा, किसी वेरी पार्टी में है। वाओ, दैट्स नाइस। अच्छा, अब हम तुम्हें पीछे लेके जाएंगे जहाँ से तुम आई हो, और वहाँ ही गोल्डन गेट पे जाएंगे हम लोग, जो बहुत बड़ा डोर है। तो मैं जब 3 गिनूंगी तो तुम पीछे की तरफ जाओगी और जहाँ से तुम आई हो, 1 2 3। कहाँ हो? गोल्डन गेट के बाहर, तो गोल्डन गेट खोल दो। खोल दिया? जी अच्छा, कौन है अंदर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या पहना हुआ है पैरों में?
सैंडल, चप्पल चप्पल पहनी हुई है और ड्रेस क्या पहना हुआ है? पिंक कलर का पैंट, पिंक कलर की पैंट पहनी हुई है और शर्ट, पैंट और शर्ट पहनी हुई है, दोनों लाइट पिंक, दोनों लाइट पिंक। तुम बॉय हो गर्ल हो? गर्ल, गर्ल हो। अच्छा तो कितने साल की है इस वक्त? इस वक्त 12 साल की। 12 साल की हो तो तुम्हारा नाम? अलीजा। अच्छा तुम अलीजा में ही हो, ठीक है। हम जाएंगे वापस, तुम्हारी अम्मी के पेट में वापस जाओ। मैं जब 3 गिनूंगी तो तुम बिल्कुल 1 मंथ जैसे बेबी डेवलप होता है 1 मंथ के उसमें जाओगी। 1 2 3। कुछ दिखाई दे रहा है? क्या? ब्लैक और लाल, ब्लैक और लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तुम यहां से वापस ट्रेवल करोगी, जब मैं 3 गिनूंगी तो तुम जहां से आई हो, जो अलीजा से पहले तुम जहां पे थी वहां जाओ और वहां से मुझे बताओ कि तुम कौन हो और क्या कर रही हो। मैं जब 3 गिनूंगी तो तुम मुझे बताओगी। 1 2 3। कहां पे हो? गेट के बाहर। गेट के बाहर? अच्छा गेट खोला नहीं है तुमने? खोल दिया। ओके तो अब अंदर कौन है? अंदर कोई भी नहीं है, सिर्फ घर है एक। अच्छा एक घर है। तुम्हारे पैरों में क्या है? कुछ भी नहीं। नंगे पाँव हो? तो कपड़े क्या पहने में? लाल, लाल रंग के कोई कपड़े पहने में? गर्ल या बॉय? गर्ल। गर्ल। अच्छा उम्र क्या है? 24। 24 साल। अच्छा और नाम? अलका। क्या? अलका। तलका? अलका। अलका, अच्छा अलका। अच्छा 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 अलका हो। तो अलका ये बताओ कि यहाँ जहाँ पे खड़ी भी हो, यहाँ सामने जो घर दिखाई दे रहा है अलका, तो ये किसका घर है? पता नहीं किसका, एक आदमी है। अच्छा तो तुमने पाँव में चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई? नहीं है मेरे पास चप्पल। अच्छा तो क्या साड़ी पहनी है लाल रंग की या क्या पहना हुआ है? कमीज लाल रंग की। अच्छा लैंग्वेज क्या बोलती हो? उर्दू। उर्दू बोलती हो? अच्छा ठीक है। उर्दू बोलती हो या हिंदी बोलती हो या पंजाबी बोलती हो? सोच के अच्छी तरह से गहराई से नजर डालो। हिंदी बोलती हो? अच्छा ठीक है। तो हिंदी पढ़नी लिखनी आती है? नहीं, नहीं आती। मैं पढ़ी लिखी नहीं। अच्छा ठीक है। तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं। तो कोई बच्चे बच्चे हैं? नहीं, हम बहुत गरीब हैं। अच्छा ठीक है। तो हस्बैंड कहाँ पे है, क्या नाम है हस्बैंड का? नहीं है हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड नहीं है, वैसे शादीशुदा थी? नहीं। अच्छा अनमैरिड हो, ठीक है। तो अब तुम एक काम करो, मैं 3 गिनती हूँ तो तुम अपने क्या नाम है पेरेंट्स के घर जाओगी और बताओगी कि वो तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तुम मुझे ये बताओगी, ठीक है। 1 2 3। तुम अपने पेरेंट्स के घर आ गई। अच्छा तो यहाँ कौन कौन है? मेरी माँ। मामा? कौन सी वाली मम्मा है तुम्हारी? इनकी शक्ल देखो जरा गौर से, इनके पास जाओ, इनकी आंखों में देखो, पहचाना इनको? कौन है ये? नानी। नानी है? अच्छा इस लाइफ की तुम्हारी नानी है, ठीक है। अच्छा किसी ऐसे पॉइंट पर जाओ जहां तुम्हें इस जन्म में बहुत तकलीफ से या कुछ प्रॉब्लम से गुजरी हो, तो मैं जब 3 गिनूंगी तो तुम वहां पे जाओगी और तुम्हारी उम्र भी तुम बताओगी कि ये कब का टाइम है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं। 1 2 3। कहां पे हो?
स्कूल में। स्कूल में? कौन से स्कूल में? 10th स्टैंडर्ड में, इंडिया। अच्छा, तो बाहर स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है? गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज का स्कूल है? गर्ल्स कॉलेज का साइन नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ऊपर व्हाइट लिखा हुआ गर्ल्स कॉलेज। तो तुम कॉलेज में हो या स्कूल में हो? स्कूल में मैंने 2 छुट्टियां की हुई है और मेरे छुट्टियां के अंदर लाल रिबन है। अच्छा, वेरी गुड। तुम तो सर में तेल लगा हुआ कि नहीं? तेल लगाया हुआ? कौन सा तेल लगाया? आलमंड। आलमंड लगाया? वेरी गुड। तो अब तुम एक काम करो कि तुम बताओ, अंदर जाओ स्कूल के और देखो कौन सी क्लास चल रही है तुम्हारी। 1, 2, 3 साइंस। साइंस की चल रही है? तो कौन है, लड़का है लड़की है पढ़ाने वाला? लड़की। अच्छा, लड़की है। तो क्या एज है लड़की की? मिडिल एज है, 30s 32। अच्छा, तो तुम साइंस में कैसी हो? मुझे नहीं पसंद। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं है साइंस, और तो तुम्हारे नंबर तो कम आएंगे ना यहाँ फिर, है ना? अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम जाते हैं थोड़ा सा और आगे। तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा स्कूल ख़त्म हो गया है और तुम तुम्हारी शादी के टाइम पे हम जाएंगे। 1, 2, 3 मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, जबरदस्ती शादी हो रही है। तो तुम लड़के को देखो, कैसा है लड़का? अच्छा नहीं है, आदमी है कोई। अच्छा, एक आदमी है। पसमेला रंग है उसका। मुझे है। और तुम्हारी इस वक्त उम्र क्या है? 26। 26 साल है। और पेरेंट्स जबरदस्ती कर रहे हैं? तो तुम्हारे अब्बू के से जाके देखो और देखो उनके वो कौन है, उनकी आंखों में जाके देखो। गई आंखों में देखो कौन है? नाना अब्बू। नाना अब्बू हैं? अच्छा, वाह। अच्छा चलो ठीक है। तो तुम ये शादी तुम्हारी चलती रहेगी या तुम मतलब तुम्हारी शादी हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि शादी तुम्हारी को क्रॉस करते हैं और थोड़ा और आगे जाते हैं, 5 साल और आगे चले जाते हैं। 1, 2, 3 अच्छा, अब तुम कहाँ हो? बेडरूम में। बेडरूम में? और कौन सा सन है? सन नहीं बताया तुमने मुझे। 1974 वाओ, अच्छा 1974। तो ये शहर का नाम क्या है जहाँ पे हो? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में हो। अराउंड देखो कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं, बाजार की दुकानें कैसी हैं? चूड़ियों वाला। चूड़ियों वाला? और हरी चूड़ियां। और कौन सी शॉप है? कपड़े, कपड़ों की शॉप है। अच्छा, तुम्हारा घर नजदीक है कहीं मार्केट के या? सामने। सामने ही है, मार्केट के अंदर ही कहीं। अच्छा ठीक है। तो तुम अब तुम बेडरूम में हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? बच्चा है कोई? कितने बच्चे हैं? एक। बच्चा है या बच्ची है? बच्ची। जरा उस बच्ची को देखो गौर से, कौन है वो बच्ची? मामी। मामी है? जो तुम्हारी बेटी है वो तुम्हारी मामानी है? अच्छा ठीक है। तो वो तुम्हारी बेटी है और तुमसे प्यार करती है। अब हम 10 साल और आगे जाएंगे इसी एज में, इसी तुम्हारे जीवन में। तो मैं जब मैं 3 गिनूंगी तो 10 साल आगे चले जाना। 1, 2, 3 कहाँ पे हो? किचन में। किचन में?
किस टाइप का किचन है? बहुत मॉडर्न, स्टील का किचन है। स्टील का सिंक लगा हुआ है, अच्छा, सिंक और की फ्रिज बर्तन किस टाइप के हैं? वाइट, बर्तन वाइट किस चीज के हैं? कप वाइट कलर के, नहीं वाइट कलर के तो हैं, लेकिन मटेरियल क्या है? नॉर्मल होता प्लेट कांच के। अच्छा, कांच के हैं, वाइट कलर के, सही, ठीक है। अभी कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बस एक बेटी। एक बेटी ही है, अच्छा ठीक है। और घर में तुम्हारे हस्बैंड से अंडरस्टैंडिंग हुई या तुम लड़ाई झगड़ा ही है? खुश नहीं हो या खुश हो? कभी झगड़ा कभी लड़ाई। अच्छा ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे आखिरी सांस पे जाएंगे और देखेंगे कि उस वक्त तुम क्या कर रही हो, ठीक है? 1 2 3, क्या उम्र है तुम्हारी इस वक्त? 76 76। तुम्हारे अराउंड कौन कौन है? हस्बैंड, कौन है? हस्बैंड सामने खड़ा, और बच्चे? बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। और तुम्हें क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? सुकून, सुकून महसूस हो रहा है। नींद। अच्छा, तुम जा मेरा चुकी हो या हस्बैंड अभी जिंदा हो? अभी बेड पे हूँ, अच्छा, बेड पे हो। हस्बैंड मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अच्छा, तो तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो कि तुम जा रही हो, ठीक है। अब हम ऐसा देखेंगे कि जो तुम हो वो तुम अब जा चुकी हो, और जाने के बाद कैसा फील कर रही हो और कहाँ जा रही हो वहाँ हमें तुम साथ लेके जाओगी, ठीक है? 1 2 3, कहाँ हो? हॉस्पिटल के कमरे के बाहर, किसके? हॉस्पिटल के कमरे के बाहर। तुम कहीं बहुत आगे चली गई हो? नहीं, हाँ, हॉस्पिटल के कमरे के बाहर हो। जहाँ मेरी, जहाँ मैं मरी हूँ वहाँ पर उस अच्छा। बेड को देख रही हूँ। ओ, अराउंड कौन कौन है? मेरे हस्बैंड बैठा हुआ है। उसे दुख हो रहा है तुम्हारे जाने का? और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारी स्पिरिट को कैसा महसूस हो रहा है? कि वो तन्हा हो गया अब। अरे, तो तुम उसको छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन लेकिन तुम कैसा फील कर रही हो? सुकून, ठीक है। ऊपर से कोई आ रहा है तुम्हें लेने के लिए? ऊपर देखो, आसमान में देखो, कोई है? कौन है? एक लड़का, एक लड़का है। क्या पहना हुआ उसने? येलो और ब्लू चेक की शर्ट। अच्छा, तो वो ऊपर आसमान में क्या कह रहा है तुम्हें? सीढ़ी है और वो कह रहा है कि मुझे अपना हाथ दो, अच्छा, लेकिन मैं फिर से वही हूँ, 24 साल की, हल्का लाल कपड़ों में। तो तुम वापस, अच्छा, जवान हो गई हो तुम? लेकिन मेरे सामने मेरा बुढ़ापा नजर आ रहा है। ओ, अच्छा, यानी कि तुम्हारी स्पिरिट तो जाहिर सी बात है, तो जवानी है फॉर एवर के लिए। अच्छा, हम अब ऐसा करते हैं कि तुम उस लड़के को अलाउ करो कि वो तुम्हें ऊपर आसमानों में एंजल्स की जगह पे लेके जाए। 1 2 3, चले गई। तो यहाँ पे कौन कौन है जहाँ पे तुम एंजल्स में आई हो? कोई भी नहीं, कोई नहीं है। और इर्द गिर्द क्या है? सफेद सफेद है। और ब्लू सफेद एंड ब्लू, और आइस। आइस। वेरी गुड, वेरी गुड साइन। अच्छा, तो तुम आइस देख रही हो, ब्लू देख रही हो और वाइट देख रही हो, जैसे एक कि शीशा भी है। एक शीशा भी है। अच्छा, किसी को देखो गौर से कि कोई अराउंड है तुम्हारे, कोई एंजल, कोई बुरी चीज, कोई अच्छी चीज, कुछ भी। एक आदमी है, आदमी है, और उसने क्या पहना हुआ है? लंबे लंबे सफेद बाल हैं, मूछें हैं सफेद, ठीक है। उसने व्हाइट सूट पहना है। अच्छा, वाइट ड्रेस पहना हुआ है उसने। अच्छा, लंबे बाल हैं, लंबी दाढ़ी है, और वो सफेद। कह रहा कि मैं गॉड हूँ। वो कह रहा है कि मैं गॉड हूँ? वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, तुम गॉड के पास जाओ और कोशिश करो
पहले तो गॉड को झुक के सलाम करो, अगर वो गॉड है तो घुटनों पे बैठो, सलाम करो। कर लिया? अच्छा, अब तुम कोशिश करो गॉड की आंखों में झांकने की और देखो कि वो गॉड ही है या कोई एंजल है। गौर से देखो, गॉड गॉड। वाओ, ब्यूटीफुल, तुम्हारी तो खुदा से मुलाकात हो गई। नाइस। अच्छा, अब तुम्हारी टर्न है कि तुम आज से, जैसे कि तुम्हें खुदा ने अपने पास बुलाया और इतना प्यार प्यार कर रहे गॉड, सर पे हाथ फेर रहे, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब ये है कि तुम गॉड से कहो कि मुझे ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे तुमने कभी किसी का नुकसान किया हो, कहीं किसी किसी को प्रॉब्लम की हो, कोई ऐसे जन्म में जहाँ पे तुम उस जन्म को ठीक कर सको और उस गलती को ख़त्म कर सको हर जन्म से, और तुम हर तकलीफ से मुक्त हो जाओ, फारिग हो जाओ हर तकलीफ से, कभी भी तुम्हारे अगले जन्मों में कोई प्रॉब्लम ना आए और कभी भी तुम टेंशन में ना रहो, कोई तुम्हें दिल को तकलीफ ना हो, तुम हर वक्त मुस्कुराती और मेहरबान इंसान बनो। तो ऐसी जगह पे जाओ कि जाके तुम अपना कर्म संवार सको। तो तुम खुद चूज़ करोगी कि ऐसा कौन सा जन्म था जिसमें तुमने लोगों के साथ बहुत ज़्यादती या गलत किया था। तो मैं तीन गिनूंगी तो तुम वहां पे जाओगी। 1, 2, 3। 2008 में तो तुम अलीजा हो, तो तुमने कहीं को गलती की है? क्या गलती किया? दिल दुखाया बहुत। दिल दुखाया है किसका? अम्मी का, अब्बू का या किसी और का? तो तुम जिस जो अभी तुमने खुदा को देखा था उनके सामने माफ़ी मांगो और अपने कर्मों की माफ़ी मांगो, अपनी कोताहियों की गलतियों की माफ़ी मांगो और सच्चे दिल से माफ़ी मांगो कि मैं आइंदा कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, किसी को पेन नहीं दूंगी और मैं अपनी गलती को मानती हूँ जो मैं एनालाइज कर सकती हूँ। ये तुम बोल दिया? पक्का बोल दिया? अब तुम हटोगी तो नहीं इस बात से? नहीं। मेहरबान रहोगी इंसानों के साथ जी। प्यार करती रहोगी जैसे खुदा करता है? तुम ऐसे ही ब्लेस करोगी जैसे खुदा ने तुम्हारे सर पे हाथ रखा था जी। शफकत भरा? ठीक है, अब तुम जाओगी ऐसी जगह जहाँ पे तुम ये ढूंढ सको कि कौन, किस किस को तुमने मदद की थी, किस किस को तुमने हेल्प की थी, और तुम कभी कोई क्वीन या किंग या जेल में रही हो। तो मैं तीन गिनूंगी तो तुमने खुद चूज करना है ऐसे जन्म में जाने के लिए जहाँ पे तुमने लोगों की बचाया हो या कुछ इस तरह से किया था। 1, 2, 3। कहीं आग लगी है, कहीं आग लगी हुई है। तो तुम कहाँ हो? मैं लोगों को कह रही हूँ कि यहाँ से निकलो, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, तुम डॉक्टर हो? कह रही हूँ कि वैन में चलो। तो सन कौन सा है? गौर से बताना, ध्यान से बताना, अच्छी तरह से नजर मारो, सन कौन सा है? बड़े गौर से देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो और तुम्हें पता होगा कि सन कौन सा है और अराउंड कैसा है, गांव में हो, शहर में हो? शहर में। शहर में हो? कौन सा शहर है? पता होगा तुम्हें शहर कौन सा है, बताओ। चाइना में हो? तो तुम्हारी शक्ल जो है वो चाइनीज है? इंडियन हो तुम? अच्छा, तो चाइना में कहीं आग लगी हेल्प करने आई हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये कौन सा सन है? 1998 में? लेकिन मैं अलका नहीं हूँ। हाँ, तो कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ एक।
हाँ, तो डॉक्टर का कोई नाम भी मैं तो लंदन होता। में रहती हूँ, मैं चाइना में आई हूँ। तुम लंदन में रहती हो, चाइना में आई हो, तुम सन थोड़ा सा गड़बड़ा रही हो। फिर से देखो अपना सन, 19 है या 1700 है या 1800 है या 1200 है या 1400 है या 1800 है, गौर से देखो। मैं किसी और जन्म में तुम किसी और जन्म में हो, लेकिन हूँ। तुम्हें सन पता नहीं चल रहा। 1998 शहर में। 1998, 1998, 98 में कैसे हो सकता है? तो फिर से देखो जन्म, वो तुम अपना, या तो 1898 होगा, कुछ तो घपला है। तुम एक नहीं, वक्त में दो जगह तो नहीं पैदा हो सकती ना। हाँ, ध्यान से देखो, नजर आएगा तुम्हें। नहीं। 18 है? अच्छा ठीक है, कहाँ देखा है तुमने 1800? 18, साइन पे लिखा हो 1807। 1807। ओके, जब मैं तुमसे सन पूछूं तो तुम बहुत ध्यान से और गौर से देखा करो। जो तुम्हें याद है वो नहीं बोलना, जो तुम इसमें गुजर रही हो वो नहीं बताना, बल्कि वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें नजर आ रहा है, तुमने वही साइन बोलना है, चाहे तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है? अच्छा, इस वक्त तुम कितने लोगों की हेल्प कर रही हो? बहुत सारे लोग हैं, मर रहे अच्छा हैं। अच्छा तो ये आग लगाई किसने है? किसी ने ब्लास्ट किया। तुमने कहा है 1807, ठीक है ना? तो हम हिस्ट्री में ये देख सकते हैं। अच्छा, शहर का नाम क्या है चाइना के? देखो, गौर से देखो, तुम लंदन से आई हो उनकी मदद करने के लिए। देखो, लहरे जहाज से आई होगी ना, या तुम ट्रेन से आई हो, किस चीज से आई हो? जहाज जहाज से आई हो, जहाज, पानी के जहाज से। बीजिंग, बीजिंग। अच्छा चलो, तो अब शहर को देखो गौर से कि क्या है, कौन सा शहर है। शहर का नाम यकीनन तुम्हें पता होगा, क्योंकि कुछ चीजें मशहूर होती हैं, तुम इंटरनेट पे भी चेक कर सकती हो, ये कब लगी थी आग, लगी थी और किसने लगाई थी। तो अब बताओ। एक आदमी है, बार बार मुझे नजर आ रहा है। बहुत उसको चोट लगी है। अच्छा, तो तुम उसको हेल्प कर रही हो? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो वैन के अंदर जाए। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं, अच्छा, और मैंने ब्लू पहना हुआ है और वाइट कोट है, और मैं सबको अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड। तो इसमें तुम्हारा नाम क्या है डॉक्टर का? गौर से देखो, ध्यान से सोचो कि इस डॉक्टर का नाम क्या है। सिन्हास। सीनास, सीनास, सिन्हास। सिन्हास। अच्छा, तो तुम्हारा वो क्या नाम है, रिलीजन क्या है? वो भी गौर से बताना है मुझे। बहुत सारे है ना हमारे पास रिलीजन्स, तो उसमें से जो तुम्हें आवाज आ रही है जिस चीज की, या तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसके लिए बोला जाता है, वो ही बताना। क्रिश्चियन। क्रिश्चियन हो? अच्छा ठीक है, ये बात सही है, जाहिर है इंग्लैंड में तो क्रिश्चियन ही होते हैं। तो वैसे बेसिकली इंडियन हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान तो उस वक्त, खैर हिंदुस्तान जो था एक ही था, तो एक ही कंट्री कहलाती है। तो तुम्हारा रंग वगैरह कैसा है, कलर कैसा है? गोरा गोरा रंग है। नैन नक्श कैसे हैं, डिफरेंट है या यही है? यही है, यही है, मगर गोरी है। और बालों का कलर ब्लैक। ब्लैक। अच्छा, वेरी गुड। चलो ठीक है, हम इससे और आगे जाते हैं, ऐसे जन्म में जहां पे तुमने योग किया था और लोगों को सिखाया था। क्या सिखाया था आज हमने ये जानना है,
मैं तीन गिनूंगी तो तुम योग में जाओगी, एक दो तीन। कहाँ पे हो? बनारस। कहाँ पे? बनारस। बनारस में हो और क्या कर रही हो उस वक्त? देख रही हूँ क्या लोगों को। अच्छा, इस वक्त उम्र क्या है तुम्हारी? 33। और नाम? देव। देव। देव तो आप वो मुझे बताएंगे आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो? गायत्री। गायत्री मंत्र पढ़ते हो? गायत्री मंत्र पढ़ते हो आप? ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, तो आता है आपको, मुझे सुनाएंगे आप? सिर्फ कुछ बोला थे। हाँ हाँ प्लीज, मैं सुनना चाहूंगी, बोलिए। सिर्फ तीन नाम आ रहे हैं। हाँ हाँ बोले। ओम जय जगदीश। ओके और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हाँ भक्त जनों के संकट दास जनों के शन में दूर हरे, ओम जय जगदीश हरे। आपको गायत्री मंत्र आता है? नहीं हुँ? नहीं गायत्री मंत्र नहीं आता, लेकिन वैसे बोलती हैं आप देव साहब। हाँ सिर्फ मेरे इस सुख सामने गायत्री नाम है। अच्छा, सामने सिर्फ गायत्री है? गायत्री लिखा है। किस में लिखा हुआ? कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ? इंग्लिश। इंग्लिश में लिखा हुआ, अच्छा ठीक है। तो इसके अलावा जो मेडिटेशन में आप कौन सा मेडिटेशन है आपका? सांस का मेडिटेशन है? आप क्या टीच करते हो, सांसों का या मंत्र मेडिटेशन टीच करते हो? सांस। और उसके अलावा आपने एक और भी तो बताया था मुझे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ठीक है। हाँ मैं वही जानना चाह रही थी कि आपको ये दो दो आप मेडिटेट करते हो तो इस वक्त आप मैं चाहती हूँ कि जब आप इसके इसमें कितने साल लगाए और स्कूल का नाम बताएं, अगर आपके आश्रम का या जो भी आप पढ़ाते थे कुछ। बनारस का तो मुझे पता चल गया, तो इसके अलावा आप क्या खाते हो? फल। फल का